लो जी, एक बार फिर बिग बॉस के घर में अंकिता लोखंडे को आ गई सुशांत सिंह राजपूत की याद। क्या घर से एलिमिनेट होने से बचने के लिए ये होता है अंकिता का कोई खेल? नॉमिनेशन टास्क से पहले ही क्यों अंकिता को सुशांत की याद आती है? क्या ये बचने का कोई तरीका है या सुशांत के फैंस को अपनी तरफ खींचने का कोई तरीका? ये सवाल है जो लोग खड़े कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि कोई ना कोई टॉपिक होता है तो अंकिता सुशांत को लेकर आती है, वो भी ठीक नॉमिनेशन टास्क से पहले। तो क्या ये अंकिता का कोई खेल है? चलिए आपको बताते हैं कि अंकिता ने सुशांत से जुड़ी हुई किन किन बातों का जिक्र किया। तो शुरुआत कुछ यहाँ से होती है कि अंकिता और अभिषेक बैठे हुए होते हैं और वो अपना पोजेसिव नेचर डिस्कस करते हैं कि अपने पार्टनर्स से कैसा नेचर था उनका। जैसे कि अंकिता ने बताया कि सुशांत सिंह को लेकर वो कितनी पोजेसिव थी और अभिषेक ने बताया कि वो ईशा मालविया को लेकर कितने ज़्यादा पोजेसिव थे। दोनों ने इन बातों का खुलासा किया और कहा कि हम अपने पार्टनर्स को किसी और को-स्टार से क्लोज होता हुआ नहीं देख सकते थे, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट ही ना हो। और उन्होंने रिकॉल किया कि हाँ, किस तरह उन्होंने बिहेव किया था जब उन्होंने अपने पार्टनर को किसी और के साथ क्लोज होता हुआ देखा। तो अभिषेक ने यहाँ पर पहले रिवील किया कि उन्होंने किस तरह रिएक्ट किया जब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड, जो कि इस वक्त शो में ही है, ईशा मालविया, जब वो सेट पर, मतलब वो उडारियन सीरियल्स में काम करते थे दोनों, अभिषेक और ईशा, तो उडारियन सीरियल में क्या हो रहा था, ईशा मालविया की शादी हो रही थी किसी और के साथ। तो अभिषेक ने बताया कि उन्होंने किस तरह रिएक्ट किया उस सिचुएशन पर। तो अभिषेक ने कहा, भैया मैंने तो पूरा तूफान मचा दिया था शो पर, एक घंटे तक मैंने इतनी लड़ाई की। तो अभिषेक ने कहा कि एक सीन था उडारिया में जहां पर किसी मेल लीड को ईशा की फोरहेड पर, मतलब सिंदूर, मांग में सिंदूर भरना था। तो अभिषेक ने कहा, भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, कैसे कोई उसके मांग में कौन सिंदूर भर सकता है यार मेरे अलावा। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक घंटे तक वहाँ पर लड़ाई की मेकअप वाले से, असिस्टेंट डायरेक्टर से, और फिर जो मेकअप आर्टिस्ट था वो भी सीन के बाहर खड़ा रहा, क्योंकि सीन ही रुका हुआ था, क्योंकि मैंने इतना कह लीजिए इतना वो लड़ाई कर ली थी, एक घंटे तक यही चलता रहा। तो फिर यहाँ पर अभिषेक ने बोला, मैंने अपने मेकअप बॉय को भेजा कि भाई तुम सिंदूर लेकर आओ। फिर अभिषेक ने पहले ईशा की मांग में सिंदूर भरा, उसके बाद ये सीन हुआ जब किसी और ने भरा। जी हाँ, तो अभिषेक ने कहा कि सेम चीज ना मुझे नील भाई के साथ भी लगती है। नील ने बताया कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और वो एक ऐसे फेज में थे, एक ऐसी आप कह लीजिए सिचुएशन में थे जहाँ पर वो नहीं बता सकते थे ऐश्वर्या को कि वो कितना हर्ट हो रहे हैं, कैसे बताऊं, वो उनको समझ में नहीं आता था। तो अंकिता बहुत ध्यान से सुन रही थी, तो अंकिता ने अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया और कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। फिल्म आई थी शुद्ध देसी रोमांस, उसमें हम वो फिल्म देखने गए और सुशांत ने पूरा जो हॉल था यशराज स्टूडियोज वो बुक कर दिया। वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ दो लोग थे जो मूवी देख रहे थे और उसे पता था कि मैं मूवी नहीं देख पाऊंगी, इसलिए वो चला गया, वो भाग गया। और वो कह रही थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा ध्यान से उस मूवी को देख रही हूँ और अपने नाखून ऐसे नोच रही हूँ, क्योंकि उस सीन में, आप कह लीजिए उस फिल्म में, जो सुशांत थे उनके काफ़ी इंटीमेट सीन्स भी थे। तो सुशांत को कहा कि वो तो भाई भाग के चला गया और वो वापस नहीं आया। मैंने पूरी मूवी देख ली, वो सारे सीन्स देख के मैं इतना ज़्यादा रोई और घर जाकर मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। सुशांत भी बहुत रोया, लेकिन सुशांत ने कहा, आई एम सॉरी गुगू, आई एम सॉरी गुगू, अब नहीं करूँगा। और सुशांत के बारे में अंकिता ने ये कहा कि जब भी वो इंटीमेट होते थे तो उन्हें फ्लैशबैक याद आ जाता था, जब भी, यानी कि अंकिता और सुशांत इंटीमेट कुछ कर रहे होते थे तो उन्हें वो फ्लैशबैक याद आ जाता था जो उन्होंने मूवी में देखा था, और उसके बाद उन्हें झटका लग जाता था क्योंकि उनके दिमाग में वही चलता रहता था कि हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड ने किसी और को किस किया है। तो उसके बाद अभिषेक ने पूछा कि आप से तो सुशांत परमिशन लेते होंगे ये सब करने से पहले, और तो अंकिता ने कहा, आप किसी के करियर के बीच में तो नहीं आ सकते, रोक नहीं सकते, लेकिन वो देखने के बाद बहुत ही गंदा फील होता था कि आपका पार्टनर किसी और को किस कर रहा है। और उन्होंने कहा, जब पीके भी आई थी और अनुष्का के साथ जब उन्होंने किसिंग सीन किया था तब भी वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुई थी। लेकिन साथ में अंकिता ने यह भी बताया कि विकी के साथ भी यही प्रॉब्लम है, विकी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मेरा एक गाना था डांग लगा के, जिसमें
मैंने एक आदमी का कॉलर पकड़ लिया था और वो मेरे बहुत पास आ गया था, तो विकी ने उसे पीछे कर दिया कि हटाओ इसको, तो विकी भी बिल्कुल नहीं देख सकता। तो यहाँ पर अंकिता और अभिषेक ने उन दोनों का कैसा पॉजिटिव नेचर है उसे शेयर किया कि अभिषेक ने अपनी बात बताई ईशा मालवीय से जुड़ी हुई और अंकिता ने बताई यहाँ पर सुशांत से जुड़ी हुई बात। लेकिन 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 बात यह आती है कि हमेशा ये देखने को मिलता है कि नॉमिनेशन टास्क होता है उससे पहले अंकिता बात करती है सुशांत सिंह के बारे में, और लोग भी यही कहते हैं कि यहाँ पर वो सिंपथी कार्ड खेलती हैं, यहाँ पर वो SSR कार्ड प्ले करती हैं। तो क्या हमेशा ज़रूरी होता है सुशांत की बात को रिपीट करना? ऐसा लोगों का मानना है। लोग पूछ रहे हैं कि बारी बारी आप नॉमिनेशन से पहले सुशांत का नाम क्यों लेती हैं, उनसे जुड़ी बातें क्यों करती हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई उसका पास्ट है, वो बात कर सकती है जब उनका दिल करे, जब उनका दिल भर जाता है या वो बहुत ही ज़्यादा अलोन फील करती हैं तो उनकी बात करती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अंकिता सिर्फ गेम के लिए यहाँ पर सुशांत का नाम यूज़ कर रही हैं, वो सच में अभी भी सुशांत सिंह राजपूत को याद करती हैं? आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट करके बता दीजिए, और तमाम इसी और जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ न्यूज़ बुक के साथ।